सर क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, इसमें तीन केसेस है देख लीजिए। कहता है मिस्टर एक्स सोल्ड हिज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22। मिस्टर एक्स ने काफी सारी प्रॉपर्टी जो है वो बेचा हुआ है। शायद बच्चों को वॉइस की दिक्कत हो। ठीक है, क्या क्या सर प्रॉपर्टी? क्वेश्चन में कहता है एक हाउस होल्ड टीवी है और रेफ्रिजरेटर है, यानी घर के अंदर 96,000, और परचेज करा था 2020 में 1 लाख का। तो आप मुझे बताइए, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब होता है पर्सनल। इसका एक टीवी था और एक रेफ्रिजरेटर था, इसको खरीदा 1 लाख का था और बेच 96,000 में दिया। तो सबसे पहले क्या यहाँ कैपिटल गेन निकलेगा? तो जवाब है सर, यहाँ कैपिटल गेन अराइज, क्योंकि पर्सनल एसेट्स को कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन में रखा ही नहीं गया, और कैपिटल एसेट्स नहीं तो कैपिटल गेन कभी निकल ही नहीं सकता। तो सर ये वाला फर्स्ट पार्ट नॉट कैपिटल। एसेट्स सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। कहता है इसने कार सोल्ड किया है 21 में 180 का, विच वॉज परचेज बाई जैन 280 का, रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखा है, कार बिलोंग टू यूज बिजनेस पर्पस। सर कार भी जो है ना, ये कार आपका पर्सनल यूज नहीं है, बिजनेस पर्पस स्पेसिफाई किया हुआ है। तो सर बिजनेस पर्पस के लिए अगर मूवेबल एसेट्स हो, अगर यही बिजनेस पर्पस के लिए टीवी और रेफ्रिजरेटर होता तो दैट इज अ कैपिटल एसेट्स। बोला गया कि अगर बिजनेस में यूज हो रहा है तो मूवेबल और इमूवेबल से फर्क नहीं पड़ता, वो है कैपिटल एसेट्स ही। लेकिन पर्सनल होगा तब देखना पड़ता है मूवेबल और इमूवेबल। तो सर कार को बिजनेस में यूज हो रहा है, कहता है कार का हमारा क्या था 1,80,000 रुपए का 21 में, विच वॉज द परचेज जैन में 280 का किया, इट्स रिटर्न डाउन वैल्यू 152, तो इसके बाद बिजनेस यूज के लिए था। तो देखिए, जिसका रिटर्न डाउन अभी मैंने डेप्रिसिएशन बताया ही नहीं, यहां पे निकाल के दे रखा है, फिर भी हम कर लेते हैं। सर कैसे निकालेंगे इसका? सबसे पहले कार जो है इस पे डेप्रिसिएशन माइनस कर रखा है, तो सर ये डेप्रिशिएबल एसेट्स है। सिंपल सी बात है, हम लिखेंगे सेल्स और माइनस कर देंगे डब्ल्यू। सर सेल्स कितने का किया, सवाल देखिए, सेल्स कहता है 180, और डब्ल्यू डीवी वैल्यू देखना है, परचेज कितने का किया मतलब नहीं है। बस सर आ गया कैपिटल गेन, और ये आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 28 का। तो जब कभी भी डेप्रिशिएबल एसेट्स होता है तो उस एसेट्स का इसी तरीके से कैलकुलेशन होता है। हालांकि इस सवाल में डब्ल्यू डी वी वैल्यू दे दिया था इसलिए हमने आराम से निकाल लिया, लेकिन कई क्वेश्चन में डब्ल्यू डी वी वैल्यू नहीं गिवन होता। सर डब्ल्यू डी वी वैल्यू क्या होता है? डब्ल्यू डी वी वैल्यू होता है हमारा परचेज माइनस में डेप्रिसिएशन, यानी जितने का एसेट्स खरीदा है उसमें से माइनस कर दिया जाए डेप्रिसिएशन, तो ये होता है हमारा डब्ल्यू डी वी वैल्यू। सर डेप्रिसिएशन कितना माइनस होगा ये हमारा अभी सीखा नहीं है, तो इसका क्वेश्चन में दे रखा था तो इसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सिंपल सी बात। चलिए सर एग्रीकल्चर लैंड, कहता है कि एक एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर सोल्ड इतने का किया हुआ है इसने 2022 में, परचेज किया था इसने, ही परचेज न्यू एग्रीकल्चर लैंड और जून में ही खरीद लिया इसने। अब सर यहां पे एग्रीकल्चर लैंड जो है नॉट स्पेसिफाइड कि ये रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है, आपको स्पेसिफाइड नहीं किया गया, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मानते हो कि ये एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आपका रूरल एरिया में है तो ये कैपिटल एसेट्स ही नहीं है, कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। अगर आप मानते हो कि ये अर्बन एरिया में है तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल कैपिटल गेन इसका निकल जाएगा, और नॉर्मल कैपिटल गेन कैसे आएगा? पहले लिखेंगे हम सेल्स, तो सर सेल्स कितने का किया? 15 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन,
आपको इंडेक्सेशन नीचे गिवन है, इसने खरीदा था 3-4 में, तो 3-4 का 109 है, बताइए क्या आया, एक बार बताइए कैलकुलेट करके। वन वन थ्री सेवन माइनस करके निकाल लीजिए, वन जीरो एट, वन जीरो एट फाइव वन टू। अब क्योंकि इसने एक न्यू एग्रीकल्चर लैंड, ही परचेज अ न्यू लैंड फॉर हिज ओन कल्टीवेशन फॉर, हाँ सीओए गलत है, समझ में नहीं आया, ये अमाउंट ये किसने बताया, ये आएगा, अब माइनस करके बताओ फिर, 5 लाख, सर माइनस कर दो 54। कहता है कि इसने एक न्यू लैंड भी खरीद लिया और कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए 2.5 लाख का, गलत करा अभी, ये 109 है, ठीक है। चलिए पॉइंट वन टू और थ्री कवर, फोर्थ अ गोल्ड ऑर्नामेंट एक्वायर जुलाई में करा था इसने 20 में और 2.40 का बेच दिया 21 में, तो बड़ा आसान सा सवाल बन जाता है ये, हर किसी को अलग अलग कर दीजिए या जस्ट जिस पैटर्न में मैंने करा हुआ है सॉल्यूशन उस पैटर्न में भी कर सकते। सर सेल्स कितने का किया, सर सेल्स किया इसने और माइनस परचेज 2.40 का सेल किया, माइनस परचेज सर, सर इंडेक्सेशन नहीं होगा क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्सेशन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट कहता है लेट आउट रेजिडेंशियल हाउस इन आगरा, इसने लेट आउट कर रखा है इनहेरेंट बाय 1995 में मिला था इसे, सेल प्राइस था आपका 2021 में इतने रुपए का इसने बेचा है, फेयर मार्केट वैल्यू इसका गिवन है। कहता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मेड इसने करा 11 में, दे रखा है एक्सपेंस, तो ये भी सिंपल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा,